Crime Branch Washi has apprehended two suspects Neetu Rahuja and Jitendra Sahu from Bhopal in connection with the alleged murder of NS Dhillon at a villa in Pillin. On Sunday, the dead body of 77-year-old businessman NS Dhillon was found at his villa at Mara, Pillin. According to Washi Crime Branch Police, accused Neetu and victim Dhillon met on Instagram, after which Dhillon invited Neetu to Goa. Neetu and her accomplice Jitendra are natives of Bhopal. Police claim that Neetu and Jitendra allegedly murdered Dhillon after he made sexual advances towards Neetu. The accused then robbed the jewelry from the body of the victim and 47 lakh rupees cash from his house along with a Fortuner SUV. Goa police, after coordinating with their Maharashtra counterparts, tracked the Fortuner car in Washi and detained the occupants of the car. Porvorim police team took the custody of the accused and brought them back to Goa. Actually, humko aaj subah ek information mili thi ki ek Fortuner vehicle without number plate Goa se Mumbai ja rahi hai aur usme kuch suspected persons hai. तभी हमारे यूनिट के PSI बारह थे और टीम ने वो गाड़ी का पीछा करने के लिए रायगढ़ गए थे. वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन, जो पाली पुलिस स्टेशन है, उनकी मदद से हमने वो गाड़ी डिटेन किया और वो गाड़ी में एक जेंट्स 32 इयर्स का और एक लेडीज थी 22 इयर्स की, उनको हमने कब्जे में ले लिया और हमारे ऑफिस में ला के उनके पास हमने पूछताछ की. साइमल्टेनियस हम लोग गोवा पुलिस से भी संपर्क में थे. जहाँ से वो फॉर्चुनर गाड़ी चोरी हुए, वही जो विला है वहाँ जो पर्सन्स रहता था, निम्स बादल करके 77 इयर्स का, उनकी भी सस्पेक्टेड डेथ हुई है, ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको मिली. और उनका मोबाइल फोन, उनके गले की चेन और हाथ में का जो सोने का कड़ा था वो भी चोरी हुआ, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली. ये जो कब्जे में दो लोग थे उनके पास हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग प्रॉपर भोपाल के रहने वाले हैं और ये लड़की का ये जो डेथ हुआ, जो पर्सन है, उनके साथ इंस्टाग्राम में पहचान हुई थी और उन्होंने उनको इनवाइट किया था गोवा में आने के लिए, इसलिए वो कल 3 तारीख को गोवा गए थे. वहाँ जाने के बाद ये आरोपी लोग, ये जो हमारे कब्जे में है, वो ऐसा इनका कहना है कि ये जो लड़की थी उसके साथ उन्होंने गंदी हरकतें की, तो उसी इसमें ये लोगों ने उनको मार दिया है और उनके पास से जो मोबाइल फोन, चेन और जो गाड़ी थी वो लेके वो भाग रहे थे और यहाँ मुंबई में आके मुंबई से वो ट्रेन से भोपाल जाने वाले थे. उनको हमने अभी ताबे में ले लिया है और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम पंचनामा करके ये सभी जो गाड़ी, फोन और जो ऑर्नामेंट्स मिले, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो पंचनामा करके हम गोवा पुलिस के ताबे देंगे. आगे का इन्वेस्टिगेशन गोवा पुलिस करेगी. सर, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते जिस तरह से आज सोशल मीडिया का क्रेज है, उनके फैमिली वालों को क्या कहना चाहेंगे? अपने फैमिली वालों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या जो भी अदर सोशल मीडिया के, वो किसके साथ बात करते हैं, किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और किसके साथ चैटिंग करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए. अगर बाहर जाते तो अपने बच्चे लोग किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, ये एक्चुअली पेरेंट्स के लोगों ने ध्यान देना चाहिए. सर, इसने वो भोपाल पे रहती थी और ये गोवा में रहते थे, तो दोनों का कनेक्शंस कैसे हुआ? इनका जो ये लड़की के साथ जो लड़का है, जो उसका ऑलरेडी 3 साल से वो जो डेथ हुए पर्सन को जानता था, उसी हिसाब से इनके साथ वो इंस्टाग्राम पे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आया होगा उसका. तो फिर उन लोग वहाँ पे घूमने के लिए घूमने के इरादे से गोवा गए थे? घूमने के लिए गए थे. एक्चुअली इन्होंने इनको इनवाइट किया था गोवा आने के लिए, तो उसी विला में वो रहने के लिए गए थे. ऐसा अभी तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इतना पता चला है, आगे की गोवा पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें और भी बातें सारी सामने आ जाएगी. गोवा पुलिस से जब आपने बातें की तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिले सर? गोवा पुलिस से इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि वो एक गाड़ी चोरी हुआ है, वहाँ एक सस्पेक्टेड डेथ हुई है, अभी तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि किसकी वजह से डेथ हुई है करके. और वो आईफोन चोरी हुआ है, आईफोन इनके पास मिला है जो डेथ हुआ है उस पर्सन का, और जो सोना है
वो भी इनके पास मिले। उन्होंने जो भी दिया था क्या क्या चोरी हुआ है जो ऑर्नामेंट्स वो इनके पास मिला है। सर लड़की की उम्र क्या बता रहे हैं? लड़की की उम्र अभी 22 इयर्स है। और वो जो उनके साथ में लड़के हैं उनकी उम्र? वो जो एक लड़का है वो 32 इयर्स का है। वो जो भाग गया लड़का उसका तो अभी खाली नाम ही मालूम है, उसका एज वगैरह कुछ पता भी था मालूम नहीं है। थैंक यू।